मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में नतमस्तकों के प्यार भरा धन निरंकार जी स्वीकार करें, और मेरे जो मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज जो है एक ऐसा माता जी का दृष्टांत सामने आया है कि अगर इन वचनों को हम सभी ने बड़े ध्यान से सुन लिया तो कहते हैं ना कि व्यवहार ऐसा हो हर किसी के दिल में आप उतर जाएंगे, बस जाएंगे दिल में, नजरों में बस जाएंगे, हर किसी की जरूरत बन जाएंगे, हर कोई आपसे प्यार करने लग जाएगा, जहाँ भी जाओगे प्यार ही प्यार मिलेगा, हर कोई आपको प्यार करेगा, हर एक बंदे की छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा जवान लड़का लड़की औरत आदमी हर कोई आपको प्यार करेगा, हर किसी को आपकी जरूरत होगी। वो कौन से वचन हैं, माता जी ने हमें कैसे समझाया, कैसे बताया, ये शायद ही आपने वचन सुने होंगे, और जिन्होंने सुने हैं उनको बहुत बहुत मुबारक है, और जो नहीं सुने दास भी आपको बताएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि जब मैंने वचन सुने और पढ़े बहुत ही कहते हैं दिल में बैठ गए कि हमें ऐसे ही करना चाहिए जिस तरह से हुजूर हम सभी को समझा रहे हैं। ऐसा समझाया, ऐसा समझाया, ऐसा बताया कि अगर हम इन वचनों को एक एक वचन को अपने जहन में उतार लें और ऐसा ही करने लग जाएं, हमारी आदत हो जाए, तो हर किसी की जरूरत हम सभी बन जाएंगे, हर किसी के दिल में बस जाएंगे, हर किसी की नज़रों में हम बस जाएंगे, हर कोई हमें प्यार करेगा। कहते कोई भी हो, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी हो, हर कोई हमें प्यार करेगा। तो वो कौन से वचन हैं, ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आपके सामने वो वचनों को हम पेश कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना वचनों को, जो भी सुन रहा है पूरे सुने, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, जो भी हमारे निरंकारी संत महात्मा उनसे खास विनती है कि ये वचन हुजूर के वचन है, सच्चे पातशाह सतगुरु निरंकार के वचन है, इनको जरूर सुने, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करोगे कोई सा वचन छूट गया तो हो सकता है कि तो पूरा देखोगे सुनोगे तो आपके समझ में भी आएगा, हम वैसा कर भी पाएंगे, 1% भी अगर हम करने लग जाएंगे तो भी हमें फायदा ही होगा। तो आपके अपने फायदे के लिए, और जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कोई भूल भुलैया हो गई उसे बख्श लेना, क्योंकि बख्शनहार हैं आप। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी, सात संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संग जी आज महाराष्ट्र के पहले दिन सुबह से ही अनेक प्रकार से भक्ति भाव का प्रकटाव किया गया। पिछले 2 महीनों से निरंतर जो आप संत महात्मा सेवा करते आए उसका निखरा हुआ रूप देखने को मिल रहा है। नासिक का ये समागम महाराष्ट्र समागम का नया रूप है। नासिक शब्द सुनते ही मन में भाव आया कि हमने अपनी कमियों को एक एक करके नाश करना है। देखो हुजूर ने नासिक के नाम पे कितना अच्छा दृष्टांत हमें समझाने की कोशिश करी है। जो भी सुन रहा है बड़े ध्यान से सुनना। सुनते ही मन में भाव आया कि करना है और प्रतिदिन अपने जीवन को निखारना है। नासिक, नासिक शब्द से एक और संदर्भ दासी के जहन में आया। वो क्या आया मैं आपको सुनाता हूँ। आया कि हमने जीवन में कोई शिकवा भी नहीं करना है, परमात्मा ने हमें जो भी जीवन में दिया है कभी गिला नहीं करना, फिर मन में बेचैनी भी नहीं रहेगी और साथ ही सहनशीलता भी आ जाएगी। तो कितना अच्छा दृष्टांत समझाया। आगे हुजूर फरमाते हैं महाराष्ट्र के, देखो एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत हुजूर ने हमें सामने लाया है और इसको ध्यान से देखना सुनना। देखो एक संत की जो बात बता रहे हैं, महाराष्ट्र के कोई संत हैं उनके बारे में हुजूर ने हमें बताया और समझाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के एक संत एकनाथ जी, उनका नाम,
जी की कहानी सुनी कि वो रोज स्नान करने नदी पर जाते और वापस आते समय एक व्यक्ति उन पर मुंह से कुल्ला करके थूक देता, पर एक नाथ जी कोई प्रतिक्रिया नहीं किया करते, मुस्कुराकर वापस स्नान करने चले जाते। लगभग रोज इसी प्रकार होता रहा और एक दिन तो उस व्यक्ति ने 100 बार एकनाथ जी पर उसी प्रकार गंदगी फेंकी। संत एकनाथ जी ने अपना सब्र नहीं खोया और अपनी सहज मुस्कान बनाए रखी। अंत में उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगते हुए एकनाथ जी से उनकी सहनशीलता का राज पूछा। वहाँ एकनाथ जी ने यही बात समझाई। क्या बात समझाई, आगे बुजुर्ग बताते हैं कि हम सहनशीलता के गुण से किसी के भी मन को जीत सकते हैं। जब दिल से क्षमा मांगी जाती है तो क्षमा मिल जाती है और हृदय विशाल करने से हम अपने ही मन को शांत रख पाते हैं। देखो कितना अच्छा दृष्टांत हुजूर ने हमारे सामने रखा ताकि हम समझ सकें कि उन्होंने अपना सब्र नहीं खोया। उस व्यक्ति ने देखो गंदगी डाली, हमें कोई छोटा सा शब्द भी कह दे तो हम उस पर उल्टा सीधा करके बरस पड़ते हैं। अगर कोई हमसे कड़वा बोले तो हमने उसके साथ उसी तरीके से पेश नहीं आना, बल्कि मन में ये सोचना कि शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो या किसी परेशानी के कारण वह ऊंचा या कड़वा बोल गया होगा। हमने यही अरदास करनी है कि इस प्रकार की बात हमारे व्यवहार में ना आए और परमात्मा उस दूसरे व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करे। अगर हम संतों की बात का आधार जीवन में लें तो सभी ने यही कहा कि हमें इस प्रभु परमात्मा के साथ ही जुड़ना है। जो ना भीग सकता है, देखो जो ना भीग सकता है, ना जिसके टुकड़े हो सकते हैं, और ये सहारक से भी नज़दीक है, हर पल हमारे साथ ही होता है। इस परमात्मा की ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत, और इसकी जानकारी के बाद इस स्थिर का आधार लेते हैं तो हम भी स्थिर हो जाते हैं और इसी के साथ आनंद की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। तो हुजूर ने किस तरह से दृष्टांत हमारे सामने लाए, आगे हुजूर क्या फरमाते, देखो बहुत ही अच्छा दृष्टांत सामने आ रहा है, वीडियो देखते रहना। निरंकारी मिशन द्वारा पिछले 90 वर्षों से यही संदेश दिया जा रहा है कि दूसरों पर उंगलियां उठाने की बजाय हमें स्वयं के सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। निरंकार को पत्ते पत्ते में और कड़कड़ में मौजूद देखकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सद्भाव के साथ जीवन जीना है। जब कोई पराया दिखाई नहीं देगा तो किसी के लिए मन में नफरत भी नहीं आएगी और विनम्र रहते हुए हम सबका सत्कार कर पाएंगे। जैसे ही हम इस परमात्मा का एहसास भूल जाते हैं तो भविष्य को लेकर मन में भय आ जाता है, और जब इसकी याद आती है तो मन को स्थिरता मिलती है, क्योंकि ये एहसास होता है कि जब कि सब करने कराने वाला तो परमात्मा ही होता है। जीवन में कैसा भी तूफान आए, सुमिरन रूपी नैया द्वारा हमने भवसागर को पार करना है। आज मराठी में भी सुना, रात्र गेली दिवस गेले आयुष गेले, यानी दुनिया की चकाचौंध में हमारा जीवन व्यर्थ ना चला जाए, समय रहते हुए हम प्रभु की पहचान कर लें। दाता सभी पर कृपा करें कि सबके जीवन में सहजता और आनंद की अवस्था निरंतर बनी रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। इतना कह के हुजूर ने हम सभी से इजाजत चाह ली, और देखो कितने अच्छे दृष्टांत, कितने अच्छे उदाहरण से हमें बहुत ही सहज भाव से बताया कि हम चाहें तो हर किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, हर किसी के दिल में बस सकते हैं,
हर किसी की नज़रों में बस सकते हैं, हर किसी की ज़रूरत हम बन सकते हैं कि हर कोई इंसान अपनी ज़रूरत हमें समझे। जहाँ भी देखें कोई हमें गलती से नज़र पड़ जाए किसी की, तो वो हमारे पास दौड़ के आए, ऐसा हमारा व्यवहार बना दे। हुजूर ऐसा हमें समझा रहे हैं, काश हम ऐसा बन पाए। हुजूर सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी सब पे कृपा करना, अपनी दया दृष्टि सब पे बनाए रखना। जो भी संत महात्मा आपके चरणों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, सभी इस तरह के भाव सभी के मन में आ जाए, सभी का व्यवहार ऐसा हो जाए, तो हम आप इसे क्या कहें। आप तो बहुत ही ऊंचे संत महात्मा, हम तो बस छोटे से हैं, आपके चरणों के दास से धूली हैं। बस आप जी की कृपा और लाड प्यार की वजह से ये छोटा सा वीडियो बना के दृष्टांत आपके सामने पेश कर देता हूँ। आप जी का प्यार मिलता है तो हौसला बढ़ता है और बनाता है वीडियो। तो बस सही, अब तो आदर्श ही बना दी आप जी ने, आप सभी संत महात्माओं ने, कुछ भाई बहनों ने, कुछ यार दोस्तों ने, कि बस कुछ ना कुछ ऐसे ही दृष्टांत ढूंढता रहता हूँ। कोई भी संपर्क में आता है तो उससे कोई ना कोई बात हम इस परमात्मा की छेड़ देते हैं, सत्संग की छेड़ देते हैं, सदगुरु से जुड़ी हुई बातें करने लग जाते हैं। उनकी बातें जो सांसारिक और अपने सत्संग की बातें दोनों एक में मिला देते हैं। अगर कोई रिजल्ट निकलता है तो वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। अब ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना, ऐसे ही सहयोग करते रहना, क्योंकि करण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास, सब कुछ आप जी के पास है। ये प्लेटफार्म आपने दिया, अब जो भी है कामयाबी भी आप ही देंगे, सब कुछ आगे बढ़ाने वाले आप हैं। क्योंकि देखो मैं कुछ भी नहीं, मैं अगर वीडियो बनाऊं आप लोग नहीं देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। वीडियो बनाते रहेंगे डालते, मगर आप लोग प्यार देते हैं, वीडियो को देखते हैं, बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। क्योंकि इससे पता चलता है कि हमें बहुत कहते पहले हर जगह हर संत महात्माओं के मुख से हर सत्संग में यही सुनता हूँ कि ये हमारा निरंकारी परिवार सब एक है, चाहे किसी जाति का, धर्म का, प्रांत का, राज्य का, दिल्ली का, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, हरियाणा, पंजाब, कहीं का, कहीं से देश या विदेश, कहीं के निरंकारी संत सब एक ही परिवार के सदस्य है। ये आपने साबित कर दिया, जो आप लाड़ प्यार दे रहे हो एक बच्चा समझ के, और एक भुल्लनहार जो कोई भूल करता है बख्श भी देते हैं। आप जी हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार बरसाए रहना। सतगुरु की कृपा आप जी के आशीर्वाद से बनी रहे, तो यही कामना यही भावना। आप जी से अब इजाज़त चाहूँगा, फिर अगले वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अभी आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में, निरंकारी संत महात्माओं, बहनों, भाइयों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर